इस कचरे से इस वक्त इंडिया भी फायदा उठा रहा है, उन्होंने भी बहुत बड़ी फैक्ट्री अपने इंडिया में लगा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम लैया दवासी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जिस तरह आप लोगों को मेरे कंटेंट का पता है, मैंने हमेशा टैलेंटेड लोगों को एक्सप्लोर किया है और उस सिलसिले में आज तक के सबसे मोस्ट टैलेंटेड पर्सन अब्दुल जब्बार भाई, उनसे मैं मिलने आया हूँ और मैं बताता हूँ कि वो किस हद तक ज़हन इंटेलिजेंट है और वो कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं और फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग ने मेरे पहले भी वीडियो भी देखी होंगी कि मैंने कचरे से पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली पैदा करके आवाम को भी दिखाई और हुकूमत को भी दिखाई। दूसरा मैंने प्रोजेक्ट किया था कि मैंने पानी से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, वो भी आप इसी वीडियो में आप देख सकेंगे कि पानी से भी बिजली हम अपने मुल्क में पैदा कर सकते हो, इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर हम आवाम को फ्री भी देना चाहें तो हमारी बिजली कम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने छोटे डैमों पे एक ये डैमो लगा के दिखा रहा हूँ आपको। और फिर मैंने इसमें आपको ये भी डैमो दिखाया जाएगा कि जिस तरह से आप नहरों से भी बिजली हासिल कर सकते हैं ये बड़े बड़े छोटे छोटे डैमो लगा के, तो इसी तरह से मैंने लकड़ी से भी गैस निकाल के आप लोगों को दिखा रहे हैं इसी वीडियो में कि इससे हम गैस निकाल सकते हैं, इससे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लिहाजा मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हुकूमत से भी और आवाम से भी कि मेरा साथ दे ताकि पाकिस्तान हमारा तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हायर करूँ जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा तरक्की करे, हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो, जैसे दूसरे मुल्क खुशहाल हैं उनसे भी ज़्यादा हमारा पाकिस्तान खुशहाल होना चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आवाम से। इसके बाद एक और मैं फार्मूला लेके आ रहा हूँ जिससे हम 12 वोल्ट का एसी होगा, वो सिर्फ सोलर से चलेगा और उसकी कोई लागत नहीं होगी, लागत भी बिल्कुल कम होगी, तकरीबन 12 से 15 हज़ार की रेंज में होगा। लिहाजा मैं ऐसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर हायर करना चाहता हूँ जिनसे पाकिस्तान की तरक्की हो और पाकिस्तान हमारा मुल्क आगे बढ़े। इसलिए मैं आपको 3 प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका हूँ जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी इस तरीके से ख़त्म हो सकती है कि हम सिर्फ बिजली पे फोकस करें, बिजली को ही सस्ता करें। बिजली ही एक अहम मसला है जो पाकिस्तान के लिए, कि हम बिजली से ही सारा हमारा सिस्टम चल रहा है, हमारी रोज़गार बिजली से है, पानी है, पानी से है, तो इसी तरह से बिजली से ही सारा हमारा सिस्टम चलता है। बिजली सस्ती होगी पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद तरक्की करेगा। हम नहरों से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, हम कचरे से भी बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर नहरों से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 78 से 80 नहरें ऐसी हैं जो 24 घंटे चलती हैं पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, इन नहरों पर अगर एक प्रोजेक्ट लगा दिए जाए वक्फे वक्फे से, तो मेरे हिसाब से मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान की बिजली पूरी भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। अगर हुकूमत साथ दे और आवाम मेरा साथ दे तो इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पे ला सकते हैं, इस कर्जे से निजात पा सकते हैं। जैसा कि आप डैमो देख रहे हैं, ऐसे डैमो आज से 25-30 साल पहले लगने चाहिए थे। और देखें नाज़रीन, इस कचरे से इस वक्त इंडिया भी फ़ायदा उठा रहा है, उन्होंने भी बहुत बड़ी फैक्ट्री अपने इंडिया में लगा चुकी है जिससे वो मुल्क भी तरक्की करने के राह में चल पड़ा है। इसी तरह हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम भी इस कचरे से फ़ायदा उठाएं, इससे बिजली पैदा करें। और जो मैं एक साल पहले अपनी हुकूमत को ये दिखा चुका हूँ कि हम कचरे से बिजली पैदा कर सकते हैं, हम कचरे से डीजल पैदा कर सकते हैं, पेट्रोल पैदा कर सकते हैं, लिहाजा हमारी हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन इंडिया की हुकूमत ने तवज्जो दे के अपने मुल्क के अंदर फैक्ट्री हायर कर दी और आज वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर इसी तरह से आवाम और हुकूमत अगर इंजीनियरों का साथ ना देंगी और ना उनके प्रोजेक्टों को तवज्जो देगी तो इसी तरह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर आवाम और हुकूमत प्रोजेक्टों पर तवज्जो दे तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसा टैलेंट सब लोग देख सकें और इसको सपोर्ट करें, हुकूमत भी इनको सपोर्ट करें ताकि हमारे मुल्क का जो कर्ज़ है वो उतारा जा सके और सस्ती बिजली पैदा की जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और अब्दुल जब्बार भाई जैसे टैलेंटेड लोगों का साथ देंगे। जज़ाकअल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इस तरह के प्रोजेक्ट नहरों पे आप सेटअप करें जिससे नहरों से हम बिजली पैदा कर सकते हैं और कई मेगावाट हम बिजली पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं, हुकूमत को चाहिए कि इन पे तवज्जो दे, ऐसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नहरों पे लगाए जाएं जहां से फ्री बिजली पैदा हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से के प्रोजेक्ट अगर हम नहरों पे लगाएंगे तो हमें फ्री बिजली मिलेगी। खुदाया आवाम के लिए सोचो, महंगाई और बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जा रही है, हम महंगे क्रूड तेल से हम बिजली पैदा करके आवाम को दे रहे हैं जो आवाम के बस में नहीं है। खुदाया ऐसे
तवज्जो दे। जैसा कि यह हवा से हम मैंने कोटा के अंदर ये प्रोजेक्ट लगा के विंड पावर लगा के बिजली पैदा की। इस तरह के पाकिस्तान के अंदर कई सारे जगह हैं जहाँ से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। कलरकार है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, इनसे भी हम कई मेगावाट बिजली हासिल कर सकते हैं। खुदाया अपनी कुर्सी को छोड़े, अपने केसों को छोड़ें, जो आपने खाना था वो खा लिया। खुदाया अब आवाम के लिए सोचो, आवाम को ऐसे प्रोजेक्ट लगा के दो जहाँ से फ्री बिजली पैदा हो और आवाम को रिलीज़ मिले। इस वक्त गरीब आवाम बहुत परेशान है, आटा महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, गरीब आवाम किधर जाएगी? खुदाया गरीब आवाम के बारे में सोचो, हवा से बिजली पैदा करके दो, पानी से बिजली पैदा करके दो, कचरे से बिजली पैदा करके दो। ये सारे प्रोजेक्ट मैंने